हेलो एवरीवन, हैप्पी होली सभी को। तो मैं हो गई हूँ तैयार होली खेलने के लिए और दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे होली खेलती हूँ। चलिए मेरे साथ। तो मैं सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को रंग लगाऊंगी और हमेशा इनको ही रंग लगा के हम लोग सब होली खेलने की शुरुआत करते हैं। उसके बाद पहले कुछ खा लेती हूँ। तो दही बड़ा रेडी हो गया है और दही बड़ा को रात भर दही में भिगा के रखना पड़ता है, तो बड़ा जो है वो दही एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी दही बड़ा ज़रूर खाए होंगे, होली पे तो सभी के घर पे दही बड़ा बनता है, तो मेरे घर भी बन रहा है दही बड़ा। और अब इसको खाऊंगी पहले, उसके बाद ही कहीं बाहर जाऊंगी। तो इमली की चटनी डाल के और उस पे सारे मसाले डाल के, चाट मसाला, जीरा पाउडर, ये सब डाल के दही बड़ा बनता है। तो मुझे तो दही बड़ा बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद होगा तो बताइएगा कमेंट में, और किसी को मन करे तो आ जाइए घर पे खाने के लिए। होली है तो होली पे तो सबको खिलाना बनता है, तो सब साथ में मिलके खाएंगे। तो दही बड़ा रेडी हो गया है, दही बड़ा खाती हूँ पहले, उसके बाद जाऊँगी होली खेलने सबसे मिलने। तो अभी मैं एक ही दही बड़ा खा रही हूँ क्योंकि दिन भर तो खाना ही है। तो दही बड़ा रेडी हो गया, चलिए इसको खाते हैं। ठीक है, तो मैं अब होली खेलने जा रही हूँ और कैमरा लेके जाऊँगी नहीं क्योंकि बच्चे कैमरे में पानी डाल देंगे। और कोई होली खेले या ना खेले, हम दोनों ही काफ़ी है क्योंकि इस जंगल के हम दो शेर। तो मैं मोहल्ले में सबसे मिलके आ गई हूँ और अब बारी है मालपुआ खाने की। तो मम्मी मालपुआ रेडी कर दी है, तो मालपुआ का ये बैटर है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो इसको बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता है तब जाके ये अच्छा बनता है। तो मम्मी ये करके रखी है, बहुत मेहनत से बनाई है मम्मी, और मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है मालपुआ। मालपुआ जो होता है वो उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, काजू, बादाम और भी बहुत कुछ। तो मालपुआ रेडी हो गया है, तो मालपुआ पहले खा लेते हैं, उसके बाद घर वालों के साथ भी होली खेलना है। तो मालपुआ तल रहा है अभी। मालपुआ जो होता है वो मीठा होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं खा लेती हूँ पहले, उसके बाद होली खेलूँगी। तो होली खेलने के बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और अब खाना खाने जा रही हूँ। तो ये कटहल की सब्ज़ी मम्मी बनाई है और मेरे लिए बचा के रखी है, तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ। तो मैं खा रही हूँ राइस, उसके साथ मैं खा रही हूँ कढ़ी और कटहल की सब्ज़ी। और यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड वंस अगेन हैप्पी होली। और आप लोग भी एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो फिर चलते, चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एवरीवन, हैप्पी होली।